हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता और मैं स्वागत करती हूं आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। क्या हमें नवजात शिशु को रोज नहलाना चाहिए? क्या ये नवजात शिशु के लिए सही रहता है? क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, तो ये सवाल अक्सर पेरेंट्स के मन में होता है कि हमारा बच्चा अभी पैदा हुआ है, क्या हम इसे रोज़ बाथ दें, और अगर दें तो किस तरह से हमें नवजात शिशु को रोज़ नहलाना चाहिए, और इसी के साथ कौन से बेबी केयर प्रोडक्ट हमें यूज़ करने चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल मास एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगी एक बहुत ही जरूरी टिप, जिसको मिस मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। जब हमारा बच्चा दोस्तों पैदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। ये मान लीजिए आप, वो दुनिया का सबसे डेलिकेट जो प्राणी होता है वो न्यूबॉर्न बेबीज ही होते हैं। ऐसे में उसकी केयर करना, उसको अच्छे से संभाल के रखना और उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो बच्चे की तबीयत ख़राब होने में टाइम नहीं लगता है। अब सबसे पहला सवाल पेरेंट्स का, क्या हमें न्यूबॉर्न बेबी को रोज़ नहलाना चाहिए? तो दोस्तों, आप अगर 3 दिन नहीं नहाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? सेम वही चीज़ न्यूबॉर्न बेबी के साथ होती है। तो कोई भी मौसम हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे छोटे बच्चों को भी प्रतिदिन नहलाएं। अब सवाल आता है कि बच्चे को कैसे नहलाएं? बहुत ज़्यादा ठंडी है या गर्मी पड़ रही है या बारिश का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, तो ऐसे में आप न्यूबॉर्न बेबी को कभी भी ठंडे मौसम में बाथरूम में नहलाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जो हमारे बाथरूम होते हैं उनमें दोस्तों हमेशा मौसम ज़्यादातर ठंडा ही रहता है। न्यूबॉर्न बेबी को आप रूम में नहला सकती हैं, और इसी के साथ जिस रूम में आप न्यूबॉर्न बेबी को नहला रही हैं उस रूम को आप पहले हीटर से गर्म कर लें, या फिर वो रूम गर्म होना चाहिए, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप विंटर में बच्चे को नहला रही हैं तो आप कोशिश करें कि एक रूम में अच्छे से हीटर चला के उसको टेम्परेचर उसका गर्म कर लें, उसके बाद बच्चे को नहलाएँ। अब बात आती है कि बच्चों को नहलाना कैसे है। तो दोस्तों, कभी भी आप न्यूबॉर्न बेबी को अकेले नहलाने की कोशिश ना करें, दो लोग आप बच्चे को नहलाएं। एक पर्सन है जिसको बच्चे को अच्छे से होल्ड करना चाहिए, और बच्चे को आप अगर रूम में नहला रही हैं तो एक कॉर्नर में जहाँ पे गर्मी हो थोड़ी सी, वहाँ पे आप बच्चे के पहले पूरे पानी ले लें, बच्चे के पूरे क्लोथ्स ले लें, बच्चे के बेबी केयर प्रोडक्ट ले लें, उसके बाद आप बच्चे को नहलाना शुरू करें। अब सवाल आता है कि हम बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को दूध, छाछ, दही इनसे नहला सकते हैं? क्योंकि बहुत सी कम्युनिटीज़ में ये आज भी चलन होता है कि अगर आप बच्चे को दही से नहलाएंगे या दूध से नहलाएंगे या फिर घी बच्चे के लगाएंगे नहाते टाइम तो बच्चा बहुत ज़्यादा कोरा हो जाएगा। तो दोस्तों, न्यूबॉर्न बेबी के साथ आप ये चीज़ें नहीं करें, साइंस इसको फॉलो नहीं करती है, डॉक्टर्स भी इसको एग्री नहीं करते हैं। डॉक्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप न्यूबॉर्न बेबीज को दूध या दही से नहलाते हैं तो ऐसे में आप उसको एलर्जिक प्रो बनाते हैं, यानी कि बड़ा होकर उसको दूध, दही या घी से एलर्जी होने के रिस्क रहता है, ऐसा दोस्तों डॉक्टर कहते हैं। बाकी ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो आप हो सके तो बेबी केयर प्रोडक्ट, अच्छे ब्रांड्स के बेबी केयर प्रोडक्ट ही न्यूबॉर्न को नहलाने के लिए यूज़ करें। उनमें भी दोस्तों आप लिक्विड वाले जो शॉप वो आते हैं बेबी केयर नहलाने के शैम्पूस, वही यूज़ करें, क्योंकि अगेन आप अगर बच्चे को साबुन से नहला रही हैं और साबुन को कहीं भी अगर हम रख देते हैं तो उसमें हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है। जो लिक्विड वॉश होता है उसमें हम बच्चे को अगर 2 ड्रॉप लेंगे तो बच्चा इससे नहा भी लेगा, इसी के साथ हाइजीन की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं रहेगी। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को आप जब भी बाथ देते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और हम बच्चे को नहलाते भी दोस्तों हाइजीन मेंटेन करने के लिए ही हैं। तो आपको फटाफट बच्चे के कपड़े खोलने हैं, टेम्परेचर रूम का गर्म रखना है, एक पर्सन आपको बच्चे के जो प्रोडक्ट है वो आपको देता जाएगा, और इसी के साथ आपको सबसे पहले जब आप बच्चे के बेबी केयर प्रोडक्ट लेती हैं, जैसे बच्चे के सर पे आपको पानी डालना है तो सीधा आप बच्चे के सर पे पानी ना डालें, सबसे पहले अपने हाथ में पानी लें, उसके बाद जो पानी आप हाथ में लेती हैं उसे बच्चों के पैरों में लगाएँ और धीरे धीरे बच्चे की बॉडी पर उस पानी को लगाएँ, और फटाफट 5 मिनट के अंदर बच्चे को जो बेबी वॉश है उसको लगा के और शैम्पू करके बच्चे को आप फट से नहला के और दूसरा जो आपके साथ पर्सन है उनकी हेल्प से बच्चे को तैयार कर दें। अब बात आती है कि बच्चे को शैम्पू कितने दिन में करना चाहिए। तो दोस्तों, न्यूबॉर्न बेबी को आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू कर सकती हैं। अगर आपका बच्चा बहुत गर्मी के मौसम है, धूल मिट्टी या ऐसा उड़ रहा है, बच्चे को आप बाहर लेके गए हैं, तो आप बच्चे को 3 बार शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी को प्रतिदिन यानी कि एवरी डे शैम्पू की नीड नहीं होती है। इसी के साथ जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो उसके बाद आप बच्चे
बच्चे के लिए कोई अच्छा क्वालिटी का लोशन यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। और मसाज दोस्तों आप पहले ही दे देते हैं, इसलिए बेबी को नहलाने के बाद बहुत ज़्यादा उसके बालों में ऑयलिंग ना करें, क्योंकि हम बच्चों को जब बात देते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने से चिपचिप हो जाती है। तो ऐसे में बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है बालों में, हल्का फुल्का आप ऑयल अप्लाई कर सकती हैं, या फिर नहलाने से पहले जो मसाज करती हैं उसमें आप बच्चे की ऑयलिंग कर सकती हैं। साथ में अच्छे ब्रांड्स के आप बेबी केयर प्रोडक्ट लें और इसी के साथ बच्चों को आप फटाफट से तैयार कर दें। यही दोस्तों तरीका होता है न्यूबॉर्न बेबी को नहलाने का। तो आप अगर बच्चे को इनकेस नहीं भी नहला पा रहे हैं तो स्पंज तो आपके बच्चे को डेली दें, क्योंकि जो उसको स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, उसकी लेयर दोस्तों नहलाने से हट जाती है और वो बच्चे के लिए अच्छी रहती है और बच्चा कंफर्टेबली आराम से पूरे दिन सो पाता है और रह पाता है। इसलिए हमें न्यूबॉर्न को रोज़ नहलाना चाहिए। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक नई बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय।